और कैथल से एक अहम खबर दे रहे हैं आपको। प्रेम प्रसंग के चलते एक युवती की हत्या कर उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। मामले में आरोपी माता पिता को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने युवती के माता पिता को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जले हुए शव की राख से हड्डियों के सैंपल एकत्रित किए। जांच पड़ताल के बाद मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। बता दें आपको कि कलायत के गांव बालू में प्रेम प्रसंग को लेकर युवती की हत्या कर शव जलाने का मामला सामने आया। कलायत थाने के सुरक्षा एजेंट सुरेश कुमार की शिकायत पर गांव बालू निवासी युवती के पिता सुरेश कुमार, उसकी माता बाला देवी समेत अन्य के विरुद्ध कलायत थाने में केस दर्ज कर लिया गया। शिकायत में बताया गया कि युवती का हिसार के गांव खेड़ी चौपटा निवासी रोहित नाम के युवक के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। इस मामले में रोहित भी 14 सितंबर से लापता है। बताया जा रहा है कि युवती ने 14 सितंबर को रोहित को अपने घर बुलाया था। दोपहर के वक्त रोहित अपनी बाइक पर गांव पहुंच गया था। युवती रोहित के साथ जाना चाहती थी लेकिन परिजनों ने रोहित के साथ मारपीट शुरू कर दी। मारपीट के बाद से युवक की बाइक गांव में ही पड़ी मिली है और वो लापता है। परिजनों ने उसी दिन युवती की हत्या कर दी। उसके शव का भी अंतिम संस्कार कर दिया गया। ये सनसनीखेज मामला कैथल से सामने आया। आपको बता दें कि इस मामले में एक युवती की उसके ही परिजनों ने हत्या कर दी। हालांकि उसके मां बाप को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर युवती की चिता से उसकी हड्डियां बरामद की हैं। आगे की कार्रवाई अब देखना होगा कि क्या होगा। वीरेंद्र पुरी कैथल से हमारे साथी बने हुए, हमारे साथ उन्हीं का रुख करेंगे। वीरेंद्र, बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया कैथल के कलायत से। एक युवती को उसके ही माता पिता ने मौत के घाट उतार दिया, उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया। अब वो लड़का बताया जा रहा है कि जिसके साथ प्रेम प्रसंग था युवती का, वो भी लापता है 14 तारीख से। पूरा मामला क्या है वीरेंद्र? देखिए मुमताज, एक लड़की है कलायत के बालू गांव की और हिसार का रहने वाला एक निवासी है रोहित, जिनका प्रेम प्रसंग चल रहा था और जिन और युवती से मिलने 14 सितंबर को जो रोहित नाम का लड़का है वो मिलने आया था, लेकिन उसके जो परिजन हैं उन्होंने मारपीट की। मारपीट के बाद जो देखा गया कि जो रोहित की बाइक भी है वो गांव के पास ही पड़ी मिली है। हालांकि रोहित का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। जो लड़की है, लड़की को जो उसके जो आरोप है उसके जो घर वाले है उन्होंने मार के उसको जला दिया। शाम को 4-5 लोग ही थे जब उसका संस्कार किया गया। जब पुलिस को इस मामले का पता चला, जो कलायत के जो सुरक्षा एजेंट है उन्होंने मामले की FIR करवाई। उसके बाद जो गांव बाड़ू के निवासी है और सुरेश कुमार और उसकी पत्नी जो है उनके विरुद्ध मामला दर्ज करके हत्या का, क्योंकि लड़की की हत्या का मामला दर्ज करके और उनको जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन जो युवक है रोहित नाम का जिसके साथ युवती का प्रेम प्रसंग चल रहा था वो फिलहाल लापता है। उसकी जो तलाश है वो जारी है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बेहद ये शर्मनाक घटना हम कह सकते हैं। लड़की का जो शव है वो जला दिया था। उसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंच के वहां से कुछ सैंपल लिए हैं और उनको भेज दिया है। जी बेहद शुक्रिया वीरेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।